हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फ़ी। इसको बनाना बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप स्टोर करके 1 महीने के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टोर कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इतनी टेस्टी होती है कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने एक पैन में 4 टेबल स्पून देसी घी ले लिया, और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालेंगे। आप अपनी मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू और किशमिश। आप चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। कुछ और ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे बादाम, पिस्ता, नारियल, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इस पे यूज़ कर सकते हैं। काजू और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जल्दी से आप इसको निकाल लें, नहीं तो ये जल जाएंगे। गाइस, जो भी मैं रेसिपीज बनाती हूँ वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतने मेम्बर नहीं हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा मेम्बर हैं तो आप क्वांटिटी को दुगना कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 कप रवा यूज़ करूँगी, तो आप 2 कप रवा यूज़ करना 4 लोगों के लिए। अब मैं काजू और किशमिश को दोनों को दूसरे प्लेट में ले लूँगी। और जो ये बचा हुआ घी है ना, इसी में हम जो सूजी है उसको भी फ्राई कर लेंगे। सूजी को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जितना आप सूजी को पकाएंगे घी में, उतनी ही आपकी बर्फ़ी टेस्टी बनेगी, तो आप उसको अच्छा टाइम लेके पकाइएगा। इस बर्फ़ी की खास बात ये है कि इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से ख़रीद के नहीं लेकर आना है। सभी चीज़ें आपको घर में ही मिल जाती हैं, और टेस्ट में तो इसका जवाब नहीं है, ये मुंह में जाते ही घुल जाती है। देखिए, जो हमारी रवा है वो ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर एक फ्लेवर के लिए, और ये टेस्ट को भी इन्हेंस करती है, तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जो फ्राई करके मैंने काजू और किशमिश रखा था ना, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, अभी मैं चेक कर रही हूँ कि रवा को जैसे हमने स्टार्टिंग में डाला था, और अब इसका टेक्सचर कितना चेंज हो गया है, ये फूल गई है काफ़ी। और अब हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 पैन में 1 कप पानी ले लिया, और 1 कप ही हम चीनी का यूज़ करेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी और पानी दोनों को ही हम उबलने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में इसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए, पानी कितना रिड्यूस हो गया है पक पक के। और इस टाइप से हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी 1 तार की चाशनी रेडी हुई है या नहीं हुई है। देखिए, साफ 1 तार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब इस चाशनी को हम रवा में मिक्स कर देंगे। अब एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और इसमें सारे मिक्सचर को डाल देंगे।
अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और ऊपर से भी हम चिकना कर लेंगे ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो देखने में अच्छी लगे। अब हम रूम टेम्परेचर पे बर्फ़ी को आधा पौना घंटे के लिए छोड़ देंगे सेट होने के लिए। देखिए बर्फ़ी एकदम जम चुकी है और सेट भी हो गई है। अब इसके हम पीसेस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सूजी की बर्फ़ी आपको कैसी लगी। आपसे मैं मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।